इन दिनों रमजान के चलते तरबूज की कीमतों के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और जो तरबूज 5 रुपए से 7 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा था, रमजान के चलते 15 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच गया है। नासिक की मंडी में इस समय पर तरबूज की अच्छी खासी मांग देखने को मिल रही है, और नासिक की मंडी से देश भर की कई मंडियों में तरबूज की सप्लाई की जा रही है। हमारे संवाददाता ने तरबूज के कारोबारियों से बातचीत की। चलिए जान लेते हैं कि तरबूज पर व्यापारियों का क्या कहना है। हम आज तरबूज की मंडी पे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तरबूज व्यापारी हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंगेश गुप्ता है। तरबूज का नासिक से कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती है? नासिक से पूरा महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात साइड भी जाता है। तरबूज की फसल कहाँ से आती? सोलापुर, मालेगांव, धुलिया साइड में बहुत ज़्यादा होता है। नासिक में होता था लेकिन नासिक में अभी कम हो गए। तरबूज के दाम इन दिनों क्या? तरबूज दाम बहुत बड़ा है अभी। ये माल देखिए, ये माल पहले बिकता था 7 रुपये 8 रुपये, आज के रेट में 15 रुपये किलो बिक रहा है। बहुत उछाला है ये रमजान की वजह से। रमजान की वजह से बहुत उछाला है, माल की कमी है। रमजान में खपत अधिक है और माल की कमी है, क्या मौसम वगैरह का असर तो? मौसम, पानी, बारिश कम हुई नासिक में, इसलिए फसल कम हुआ है। इसके लिए तेजी बहुत है, बारिश होगा तो फसल अच्छा होता है। नासिक से कितने टन? कम से कम 10 टन डेली माल का पड़ा है, 10 टन। और माल कितना आ रहा? माल आता है बराबर, अभी कम हुआ है, 3 दिन से माल कम हो गया है। खपत मतलब आवक कम हो गया है, जावक भी कम होगा। रमजान की वजह से सब तकलीफ बढ़ रही है, बिक्री में, भाव में। ये माल 5 रुपये 6 रुपये माल बिकने वाला है, लेकिन अभी ये माल 15 रुपये किलो बिक रहे हैं।